पानीपत में श्री सनातन धर्म महावीर दल द्वारा श्री हनुमान जयंती के पावन पर्व पर आयोजित श्री हनुमत कथा के समापन अवसर पर परम पूज्य गीता ज्ञानेश्वर गुरुदेव डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री राम की नाम की महिमा तथा उनके बल पौरुष को श्रवण कर सीता जी धैर्य से भर गई। तेजी से दौड़ते वक्त हम लोगों के पास थोड़ा सब्र करने व सोचने का वक्त कहाँ है? इस दौड़ते समय हम अपने धैर्य को कहाँ संभाल पाते हैं? आजकल लोग स्टोन नख से बनी अंगूठियां बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं, परंतु थोड़ी देर धैर्य धारण नहीं कर पाते। जल्दी उपलब्धि हो इस चक्कर में उपलब्धि को हाथ से धो बैठते हैं। श्री हनुमान जी सीता जी को विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करने को कहते हैं। जब वे राम जी के वियोग में चिता में आग लगाकर उसमें आत्मदाह करने की तैयारी कर लेती हैं, इसीलिए हम सबको भी धैर्य रखना चाहिए। आज सनातन धर्म महाविद्यालय वार्ड नंबर 9 श्री शक्तिपीठ हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती का 50वां वार्षिक उत्सव बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें परम श्रद्धे स्वामी गीता मनुषि दिव्यानंद जी भिक्षु महाराज जी द्वारा कथा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने श्री राम जी 14 साल का वनवास निकाल के अयोध्या नगरी में वापस आए, उनका फूल मालाओं और दीपाओं से उनका स्वागत किया गया। क्या नाम है? पंकज सेठी, महासचिव सनातन धर्म महाविद्यालय वार्ड नंबर 9।